हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन एक्ट डिजिटल क्लासेज और इमर्जिंग ट्रेंड्स के इस लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सिलेबस की और आज हम बात करेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में जैसा कि अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और कितने तरह के सर्विस अवेलेबल हैं वहाँ मैंने बताया था आपको कि तीन तरह के सर्विस हमें मिलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिलते हैं हमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मिलते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हमें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं और जो हमारे काम को आसान कर देता है कि हर चीज़ आप क्लाउड के ऊपर ही रखते हो चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चाहे वो कंप्यूटिंग की बात हो प्लेटफॉर्म की बात हो

जो अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो सर्विस के ऊपर रहता है इसका मेन काम है सर्विस देना चाहे वो स्टोरेज की बात करें चाहे वो प्लेटफॉर्म की बात करें चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें लेकिन उसी जगह पे अगर आप ग्रीड की बात करते हो तो इट इज अ मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्रिएट सेंस ऑफ अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर आप समझिए इस चीज को ग्रीड का मतलब क्या हो गया कि, एसे की, एसे की बात कर रहा है कि जहां पे आपके माइक्रो प्रोसेस को मेरे द्वारा कनेक्ट है जो उस से कनेक्ट उस सारे कंप्यूटर्स को किसी दूसरे लोगों के डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जा रहा होगा तो इट्स क्रिएट सेंस ऑफ ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर विद एन इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे यहाँ पे जो ग्रिड कंप्यूटिंग आपको मिल रहा है एक तो यूज अमाउंट ऑफ पावर मिल जा रहा है और यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिल जा रहा है द कॉन्स्टिचुएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स मतलब मेरा कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट है आपका कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्ट है नेटवर्क से कनेक्ट है तो दिज ऑल कंप्यूटर्स आर नोन एज द नोड एंड दिस डिफरेंट नोड्स टेम्पोली कम टूगेदर टू सॉल्व अ सिंगल लास्ट टास्क और टेम्पोरली क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक साथ कंबाइन होकर किसी एक काम को कंप्लीट करते हैं टू रीच अ कॉमन गोल मतलब आप कह सकते हो कि छोटी छोटी ताकतों को मिला दिया जाए तो एक बड़ी ताकत तैयार हो जा रही है कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग नाउ वेट इज काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स रेजिंग रेंजिंग फ्रॉम हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस टू पर्सनल कंप्यूटर एंड वॉक स्टेशन आर कनेक्टेड टू द लैंड और इंटरनेट आज के डेट में क्या है आपका स्मार्टफोन आपका लैपटॉप आपका टैबलेट आपका पामटॉप डेस्कटॉप सारे कनेक्ट हैं इंटरनेट से ठीक है एंड इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल टू री यूज यूटिलाइज देयर रिसोर्स लाइक मेमोरी एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर और ये बड़ा फिजिबल लगता है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये काफी फिजिबल है कि आपके उस डिवाइस के रिसोर्सेस को यूज किया जाएगा उसके पावर को उसके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को यूज किया जाएगा द ग्रिड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व कंप्यूटेशनल इंटेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम विदाउट एक्चुअली प्रोक्यूरिंग ए कॉस्टली हार्डवेयर मतलब ग्रिड से हमें क्या फैसिलिटी मिली कि हम एक महंगा डिवाइस ख़रीद के लाए फिर जाके हम उस पर काम करें इससे बेहतर है कि जो इतने सारे डिवाइस इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्टेड हैं इन सभी डिवाइस के पावर को यूज किया जाए साइंटिफिक रिसर्च के लिए और किसी खास प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए There are two types of the grid. There are two types of the grid. A one grid that is known as the data grid. One grid that is called data grid. And it is used to manage large and distributed data having required multi user access. जहाँ पे यूज डेटा एवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एवेलेबल है जिसको कोई भी यूजर मल्टीपल यूजर उसे एक्सेस करेगा तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डेटा क्रिड द सेकेंड इज कॉल सीपी और प्रोसेसर क्रिड और ये एक ऐसा ग्रिड है जहां पे प्रोसेसिंग इज मूव फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी मतलब एक पीसी पीसी से दूसरे PC पे प्रोसेसिंग को मूव किया जाता है और ए टास्क इज़ डिवाइडेड टू स्मॉलर नाउ यू अंडरस्टैंड ऑफ द ग्रिड डेटा ग्रिड एंड प्रोसेसर ग्रिड ओके ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आई ए एस एस आई ए आई ए एस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड सर्विस इनकेस ऑफ द आई एस आई एस में क्या होता है जैसे आप देख सकते हो यहां पर ग्रीड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है और इन सारे डिवाइसिस के कंपोनेंट को इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के इसके स्टोरेज कैपेबिलिटी को यहां पर यूज किया जा रहा होता है चलिए हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली आई ए एस के अंदर क्लाउड सर्विस के अंदर क्या होता है कि जहां पर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पर दे दिया जाता है मान लीजिए मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर है या एक स्मॉल कंप्यूटर है या एक यूज कैपेबिलिटी का कंप्यूटर है जिस पर लिनक्स इन्वायरमेंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है और किसी को लिनक्स के ऊपर काम करना है तो मैंने अपने कंप्यूटर को उसको रेंट भी दिया फॉर द टाइम बिंग ऑनलाइन ठीक है एंड वेयर इन ग्रीड कंप्यूटिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स ज्वाइन टूगेदर टू सॉल्व अ कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम तो पर रेंट का concept है जबकि ग्रीड में ऐसा नहीं होता है ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक किसी खास प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ज्वाइन करते हैं टू सेटअप अ ग्रीड बाई कनेक्टिंग न्यूमरियस नोट इन टर्म्स ऑफ द डेटा एज वेल एज सी पी यू अडल स्वाभाविक है क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग डिवाइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है दो इज इंप्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर जिसकी जिम्मेदारी होगी कि इन सारे प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी जो आर्किटेक्चर है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां पास होगा वहां से प्रोसेसिंग करा के डेटा लाया जाएगा फिर इसके पास जाएगा इन सबको मैनेज करना है द गए

and transactions are performed and transactions performed are updated one by one on the database और वहाँ पे informations को up to date किया जा रहा होता है that is how the ticket booking websites or bank operate normally जो bank काम कर रहा होता है वो इस technology के ऊपर काम कर रहा है स ऑल डेटा इज स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल लोकेशन देर आर चांस टू डेटा बींग हैक्ड और लॉस्ड तो कह रहा है कि ऐसी संभावना है क्योंकि डेटा क्योंकि सेंट्रल कंप्यूटर पर अवेलेबल है तो वह हैक हो सकता है और वह लॉस्ड हो सकता है ठीक है तो द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन दंसेप्ट ऑफ एंड शेयर वेयर अब देखो ब्लॉकचेन का क्या काम है और ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है ये कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ बिहाइंड द ब्लॉकचेन कि वो क्या करे जो सेंट्रलाइज डेटाबेस था उसको डिसेंट्रलाइज कर दे और उसको शेयर डेटाबेस में कन्वर्ट कर दे वेर ये कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस और हर एक कंप्यूटर के पास उसकी कॉपी हो और ब्लॉक कैन बी थॉट एज अ सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा ब्लॉक जो होगा उसका मतलब क्या वो है वो सिक्योर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है फॉर द वैलिड ट्रांजैक्शंस एंड इस ब्लॉक हैज़ सम डेटा कॉल्ड एट्स हेडर ठीक है और ब्लॉक के अंदर में एक हेडर होगा एक हेडर पार्ट होगा जो आ, कुछ डेटा होगा जो हेडर पार्ट्स को रेफर करेगा एंड इट इज विजिबल टू एवरी नोड एवरी अदर नोड इज विजिबल ओनली व्हाइल ओनली द ओनर हैज एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द ब्लॉक क्या कह रहा है कि हर एक कंप्यूटर के पास एक डेटा बेस की कॉपी होगी और यहां पर एक ब्लॉक बनाया जाएगा जिसको एक सिक्योर्ड डेटा चंक ऑफ डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा समझा जाएगा और वैलिड ट्रांजेक्शन माना जाएगा और जितने भी ब्लॉक होंगे सबके पास क्या लगा रहेगा

मतलब कई सारे कलेक्शन कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है और वो एक सिंगल अपडेटेड सिक्योर लेजर को मेंटेन कर रहे हैं। कि जो भी ब्लॉक चेन का पार्ट बनेगा उसे फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस अवेलेबल कराया जाएगा इट मेंटेन एन एप एंड ओनली वहां पेड ओनली ऑप्शन रहता है ओपन लेजर विच इज अपडेटेड नेटवर्क ऑथेंटिक फॉर द ट्रांजेक्शन मतलब अगर मैं ऑथेंटिक हूं तो मेरे नोट के लिए उसे ओपन किया जाएगा अदरवाइज वो लॉक्ड होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन आर इंश्योर्ड बिकॉज ऑल द ऑफ द मेम्बर्स इन द नेटवर्क कीप कॉपी ऑफ द ब्लॉक चैन एंड सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चैन और ऑल्टर द डेटा तो किसी एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसमें वो चेंजेस डाल सके और उसको ऑल्टर कर सके

मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेक्नोलॉजी इज अर डिजिटल करेंसी आज के डेट में आप देखिए वेस्ट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशियंस इन बिजनेस एज वेल एज इन गवर्नमेंट सिस्टम मतलब कि ये ये नेचर के कारण और जो ओपन सिस्टम है तो इससे और इसकी सिक्योरिटी के कारण ये माना जा रहा है कि ये एक ट्रांसपेरेंट है और यहां पे अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को ज्यादा देखा जा रहा है तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट सिस्टम्स के लिए भी फायदेमंद हो

द से एंड दिस चैन इन इनक्रोचमेंट्स का जो प्रॉब्लम आता है वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम कैन आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वोट अल्टरेशन जो आजकल हो रहा है ना कि ईवीएम एबीएम नहीं है फलाना है ये है वो है कई सारे नेता ब्लेम करते हैं कि ईवीएम में ये प्रॉब्लम हो रही है या वो प्रॉब्लम हो रही है तो विद हेल्प ऑफ ब्लॉक चेन इट इंस ये ब्लॉकचेन के सिस्टम से इसको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो easy, किसी के लिए ऑल्टरेशन टास्क ईजी नहीं होगा सिंस इज़ गेट स्टोर्ड इन सो वोटिंग बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक

की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी अलाउज़ यूज़र लुक एट एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद द जस्ट लाइक अ वन कैन डू इन रियल वर्ल्ड तो इससे आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है कि आप घर बैठे ही पूरी दुनिया के शेयर कर सकते हैं सुपर इंप्रेशन इंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन ओवर एक्सिस्टिंग फिजिकल इज कॉल्डेड रियलिटी robotics can be defined as a science primarily associated with the design fabrication theory and application of robots big data holds rich information and knowledge which can be high business value march characteristics of big data are volume velocity variety ve velocity and value data analysis is the process of examining data sets in order to draw conclusions about the information they contain An internet things is a network of devices that have an embedded hardware and software communicate with other devices in the same network sensor is a device that takes input from the physical environment and built in computing resources to perform predefined functions upon Detection of a specific input and then process data before passing it. Cloud computing, as I told you, it's allowed to resources located at the remote locations to be made available to anyone, anywhere. Cloud services can be infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. While blockchain, it is not block share. it's a blockchain technology, uses a shared data use of the चैन ब्लॉक वेयर कॉपीज ऑफ डेटा मल्टीपल कंप्यूटर्स तो आपके उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इमर्जिंग टेंट्स के ये आखिरी वीडियो थे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अगले टॉपिक के बारे में कुछ नए टॉपिक के बारे में सो आई होप यू लाइक द वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर मिले इस बीच में आप इस क्वेश्चन एंसर्स को शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं दिस बुक इज अवेलेबल ऑन एनसीआर